नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और अभी मैं धाम पर पहुंच करके गायों को चाटा आटा आहार दे दिया है और चाय पानी भी पी लिया है। तो मेरे YouTube परिवार, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि तर्क और हकीकत में फर्क, 828 नंबर का वीडियो, मतलब इतने वीडियो साधु जर्नी के आ चुके हैं आपके पास। तो सबसे ज़्यादा कमेंट इसी वीडियो पर आए, 232 कमेंट अभी तक आ चुके हैं। किसी ने जय श्री राम लिखा, किसी ने जय श्री बालाजी लिखा, तो किसी ने हम आपके साथ हैं लिखा, किसी ने कहा महाराष्ट्र से, किसी ने कहा उड़ीसा से, और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, कोई पाकिस्तान से, कोई हैदराबाद से, कोई दिल्ली से, कलकत्ता से, पंजाब से, यूपी से, और कोई मतलब राजस्थान के अलग अलग शहरों से, गाँवों से। कोई कह रहा है मैं छिट्टी तोड़ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं लावणी करने में बिजी था, कोई कह रहा है भाई नौकरी कर रहा हूँ, कोई समय नहीं मिला, हम आना तो चाहते थे, मतलब कार्य सब लगे हुए, बिजी थे सभी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सभी काम में लगे हुए हो, और हमेशा हमेशा बालाजी महाराज की आपके ऊपर शुभकामना शुभ आशीर्वाद बना रहे, ताकि आप अपने कार्य में बिजी रहो, किसी प्रकार की आपके घर में परिवार में किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि संकट ना आए। आपके जो कमेंट मैंने टोटल A to Z कमेंट पढ़े, आपका मन बहुत कर रहा था साधु जर्नी ट्रस्ट की ज़मीन पर आकर के, और यहाँ जो प्रोग्राम हुआ अखंड रामायण पाठ का, उसमें आप शामिल होना चाहते थे। आपकी अंतर आत्मा ये कह रही थी कि हम चलें, लेकिन आप आ नहीं सके, मजबूरन नहीं आ सके, अन्य तरीके के काम सभी को थे, मानता हूँ मैं इस बात को। लेकिन मेरे YouTube परिवार, मेरी अंतरात्मा को आज बहुत खुशी हुई है कि आप अंतर मन से श्री बागेश्वर बालाजी से, भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, मन से आप जुड़े हुए हैं। ये एक अलग विषय है कि भाई समय नहीं मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी समय नहीं मिला, मुझे भी समय नहीं मिलता है, आप नहीं है, नहीं आ सके आप। आप मन से जुड़े हुए थे बालाजी से, श्री राम से, भगवान राम से, और साधु जर्नी को आप घर बैठे आशीर्वाद दे रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपका मैं दिल से, मन से, तन से, मन से, दिल से, आत्मा से बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और भविष्य में मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आज ये कह रहे हैं कि भाई हम आना तो चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिला, कोई बड़ी बात नहीं, आप आना चाहते थे तो कभी ना कभी ज़रूर आपको भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी, सन्यासी बाबा की कृपा होगी, आप दर्शन करने के लिए भी आएंगे, आप साधु जर्नी ट्रस्ट का जो यहाँ सिस्टम चल रहा है वो देखने के लिए भी आएंगे, आप गाय की सेवा अपने हाथ से करने के लिए भी आएंगे। 232 कमेंट अब तक आ चुके हैं, मन से लिखे हैं, अपने मन से लिखे हैं कि हकीकत में हम जो है आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत ज़बरदस्त हौसला मिला है इस बात से, और आपके कमेंट लिखने से जो मुझे मेरे कार्य पर अंगुली उठा रहे थे, ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये फरेब है, ये झूठा है, ये दाल काली है, ये दाल में कुछ काला है, तरह तरह के जो कमेंट कर रहे थे, उनके मुंह पर मेरे YouTube परिवार आपने जो है धीरे से ज़ोरदार तमाचा मारा है कि हकीकत में ये फरेब नहीं है, नाटक नहीं है, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो सत्य है, हकीकत है, और ज़मीनी हकीकत है, धरातल पर जो भी कार्य हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई फरेब, नाटक, ढोंग, पाखंड कुछ भी नहीं है। आपने जवाब दे दिया इस बात का, क्योंकि 828 वीडियो में 232 कमेंट इसी वीडियो में आए हैं, और मैंने बोला था कि भाई आप लिखते जाना, आप लिखते जाना, आप लिखते जाना, आपने मेरी बात का सम्मान किया है, मान रखा है, इसके लिए मैं कोटि 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 शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ छोटों को, और बड़ों के श्री चरणों में सर रख करके, सर झुका करके प्रणाम कर रहा हूँ। गली दारे इन वहाँ किसी प्लेट और किसी लगे प्लेट और लगे कोई नहीं है, प्लेट लगा दी तो उतार दे प्लेट और प्लेट लगा सी कठे सी बात है प्लेट अट लगा सी वो सुर दर्द थे ना देखो हां एकदम तय हां पड़ा कोपड़े अठे मख काट तार है हाँ। मख चला के पे मख संत हां चढ़ दो ठीक है वो यार भारी आदमी ने तोड़ सी ये ना है फाइबर ने और को सो आदमी चढ़ाना एंगल एंगल तक वो कोनी होगे वो छोरो के ना है फिर बोलूं
जेवड़ी पकड़ ले कोई दिक्कत को नहीं आ जेवड़ी टूटे को नहीं तेरे पोत अरे ने पाइप टूटे जेवड़ी पाइप दोनों ही कौन टूटे से तू लम उठ जा हाँ तो बिन्या जेवड़ी बांधे बिन्या पाइप ही तो वो चढ़ो वो दीन दयाल कितो काम करियो ऊपर अब तू दूजे डरतो जको तो मैं के करा दूजे कौन के लटक के रहे हो तो वाट देवीलाल को जैसे तैसे करके दाम के ऊपर चढ़ा दिया है। देखो बहुत मुश्किल से दूज तो चढ़ तो गयो और तूरी बांधने को प्रयास करे। देखो तूरी ने एकदम पाइप के दिखा कितनी जरूर बांध है देखा दिखा है कौन बंद है नीची फट सी देख लीजिए बंद है कौन कौन पढ़ दे के तरीको है टाइट पहला ले ले चाहे तू चाहे जरूर क्योंकि इसको ही सुबह शाम बहुत ही सख्त जरूरत है कि भाई धाम पर यहाँ भजन चले आरती चले संगीत चले राम धुन चले हनुमान चालीसा चले क्यों रे देवीलाल पास है अंदर है हाँ तो ये चीजा चालती रहे तो थोड़ो इंगो जी लागे डो रहे ओ लाई फिर हाँ रात को ये अकेला रहता है तो शाम को लगभग 2-2.5 घंटे तक ये चलती रहेगी राम धुन हनुमान चालीसा हनुमान जी की और की सभी देवी देवताओं की आरती चलती रहेगी और इसी कारण से ये कार्य बहुत ही जरूरी हो गया था और लाइट भी जलती रहेगी। आप देख रहे हैं मेरे YouTube परिवार वो जो हमारा सियाराम रसोई और रूम बना हुआ है उसके ऊपर है 2 बत्तियां लगी हुई हैं एक धाम की तरफ प्रकाश दे रही है और दूसरी गायों की तरफ प्रकाश दे रही है। गाय जो है इधर रहती हैं बाड़े में रहती हैं रात को तो गायों की तरफ है प्रकाश दे रही है और इसी प्रकार से यहाँ पर उसी प्रकार से 2 बत्तियां लगानी हैं एक तो यहाँ लगानी है बालाजी के धाम पर और दूसरी बत्ती लगानी है खेजड़ी पर ताकि ये जो 7 बीघा का परिसर है 7 बीघा और 2 बिस्वा का जो ये परिसर है इसमें पूरे में प्रकाश रहे कहीं भी अंधेरा ना रहे इस प्रकार से हमें बत्तियां लगानी है। बत्तियां अभी हमारे पास है नहीं मंगाई हैं किसी को फ़ोन किया है बोला है कि भाई वो जो लाइट पहले ले करके आए वैसी ही लाइट हमें ला करके देनी है और ये दाम गए एकदम पीछे की साइड में नहीं आप लेट अठे सेट जी अठे एंगल को ही तो सारो है ए अठे सी सुनी सेट हो सी आ देख चलो उठ कर जाना एकदम सूरज को पूरो तो प्रकाश मिले कोई है बीच में ले ले एकदम बीच में जेवड़ी थी है क्या जेवड़ी और बुलाएंगे ये सारा क्लाप है मेरे YouTube परिवार लाइट न होने की वजह से करना पड़ता है और लाइट यहाँ पर है मिलने की कोई संभावना भी नहीं है ले पटूं ले इस समस्याओं से जूझते से कम 1 साल हो गया है 1 साल होने को है आगे दिसंबर में हो जाएगा 1 साल है लेकिन यहाँ पर लाइट मिलने की भी कोई नज़दीक भविष्य में कोई संभावना भी नहीं है इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे तैसे कर ये सिस्टम है जो धीरे धीरे किसी भी प्रकार से चले चलाया जाए यही प्रयास है। अब ठीक है तो
अगर तू दो मिनट ले रहा था पद तो साफ सब तो कितने ले रहा थी पद साफ तो परिवार बालाजी महाराज से प्रार्थना करके सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके ये हमेशा हमेशा सही तरीके से चलती रहे यही निवेदन है यही प्रार्थना है। आप सभी यूट्यूब परिवार का हौसला बना रहे लाइट की और यहाँ पर भजन संगीत आरती की जो हम यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ऊंची उठा अगर सही नहीं है तो इंटर्न सही करो दो देवीलाल कह जी करना पड़ सी भाई मैं नए जे मैं अगर जे नए कर सू नहीं हो कह मैं वो कह जिया अगर जे नए कर सू तो मेरे जानता ही हो तो आपकी सलाह जिया कर ले सी सीधी सी बात है तो वो कह जिया ही करनो ठीक है करे नहीं कह होड़ में आटो गिल्लो हो इं तो टेप चक्री लगावा है मतलब इतो सामान ले जे इतो सामान ले जे 100 कुंटल लो ले जो कोई अठे बाकी एक टेप चक्री कौन ले जे कंडीशन है तो आप देख रहे हैं मेरे YouTube परिवार इस तरह से बैटरी लगा करके और सोलर प्लेट लगा करके मैंने तो यहाँ पर जो है सेटिंग जो जचाना था वो जचा दिया है और बाकी का जो कार्य है वो देवीलाल का है और एक विशेष बात जैसे ही हमने ये चालू किया सिस्टम 350 भजन आरती गाना लगभग कल भरवाए थे जैसे ही यहाँ धाम पर बटन दबाया बैग का तो जो चीज़ बालाजी को पसंद है हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा तो यही भजन चालू हो गया सबसे पहले अभी लगभग 11:30-12 का टाइम हो रहा है दोपहर का टाइम है तो भी मतलब इस तुरी की आवाज़ इतनी तीखी है तेज है तो सुबह और शाम जैसे ही मतलब मौसम बिल्कुल शांत होगा उस समय और भी अच्छी लगेगी। हम तो इसी में खुश हैं भाई और आशा करता हूँ कि आप भी खुश होंगे। राजूराम जी कस्वां गांव स्वरूप दे शहर बीकानेर हाल मुंबई से 101 रुपया। उत्तराजीत जी गांव शेरे का टिब्बी हनुमानगढ़ से 501 रुपया। परवीन कुमार जी खारोल नगर अजमेर राजस्थान से 251 रुपया। निकेश कुमार जी गर्ग नगर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ से 500 रुपया। बहन ममता तेज प्रकाश जी कोहली नगर दिल्ली से 251 रुपया। एक गो माता भक्त बहन नगर शिमला हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपया।
भाई राजेंद्र जी जोशी नगर जयपुर राजस्थान से 1100 रुपया, अनिल जी चहल आसू मोर नगर रोहिणी दिल्ली से 1100 रुपया, मयंक जी चौहान नगर खामपुर दिल्ली से 501 रुपया, भाई संपतराम जी गांव डंडी खजवाड़ा जिला बीकानेर से 101 रुपया, भंवर कंवर माता जी नगर हेरिटेज सिटी जोधपुर से 501 रुपया, रविंदर जी बेटा वैभव खेतान नगर रांची झारखंड से 201 रुपया, पद्मा राम राजा राम जी गांव नया रामा जिला जालौर से 1100 रुपया, रमेश कुमार जी शर्मा जिला सुभाष नगर हांसी हरियाणा से 200 रुपया, भाई दीपक कुमार जी गुप्ता नगर दिल्ली से 25 रुपया, भाई रवि सिंह जी चौहान नगर नीमराणा जिला अलवर से 101 रुपया, गजराज सिंह जी बसई नगर दारापुर दिल्ली से 5100 रुपया, भाई शंकरलाल नगर राणौली जिला सिकरहाल ताइवान से 2000 रुपया, मंजुला बेन हंसमुख जी ढेडिया नगर कांदीवली मुंबई से 1000 रुपया, स्वर्गीय ईश्वरलाल जी मित्तल नगर हिसार हरियाणा से 201 रुपया, प्रेमराज भंवरलाल जी मैया गांव दुगोर डेगाना नागौर से 521 रुपया, विनोद कुमार जी सुथार गांव बाड़िया तारानगर जिला चूरू से 500 रुपया, अनिल सूर्यवान जी बेदूरकर नगर हिंगणघाट जिला वर्धा महाराष्ट्र से 101 रुपया, किशोरी लाल जी गुज्जर नगर सलीमपुर दिल्ली से 101 रुपया, और बहन नीरूबाई नीमच मध्य प्रदेश से 100। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।